हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम व्रत स्पेशल बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला नाश्ता बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो व्रत में आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को छीलकर ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, जिसे मैंने दरदरा कूट कर लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। ये रेसिपी हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लेंगे 1 कप कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, तो हमें सारा आटा एक साथ नहीं डालना है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा हम डालेंगे, बाकी के आटे को अभी हम अलग रखेंगे। तो अब हम सभी को मिक्स करते हुए इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आटा अगर थोड़ा गीला लगेगा तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच आटा और डालेंगे। आटा थोड़ा सा गीला है तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच आटा और डालेंगे, और बाकी के आटे को अब हम अलग रखेंगे, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आटा हमने लगा लिया है, अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। और अब हम आटे से 3 इक्वल साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो लोई हमने बना ली है, अब हम एक चकले पर थोड़ी सी तिल स्प्रिंकल करेंगे और लोई पर दोनों साइड थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि बेलते समय ये चिपके नहीं। लोई के ऊपर भी थोड़ा सा तिल डालेंगे और अब हम इसे हल्के हाथों से मोटाई में रखते हुए बेलेंगे, जैसे कि हम ज्वार या मक्के की रोटी बनाते हैं। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम इसे चौकोर शेप में काटेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, तो पहले साइड से इसे काट कर अलग निकाल देंगे। और अब हम मीडियम साइज़ के चौकोर शेप में इसे काट लेंगे। आप चाहें तो गोल शेप या कोई और भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बाकी के बनाकर तैयार करेंगे। और अब हम इन्हें तुरंत फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म कर लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इन्हें पलटते रहेंगे और गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर इन्हें निकालेंगे और इसी प्रकार से बाकी के जो हमने बनाए हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म इन्हें आप दही के साथ सर्व करें। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। व्रत में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।